हम डॉक्टर शरीफ शेख हैं। इस विधानसभा चुनाव में हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह के उम्मीदवार को आप चुन के देना चाहते हैं, किस तरह के उस नेता में गुण होना चाहिए, किस तरह की आपकी अपेक्षा है? हमें जलगांव के लिए ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो मतदाता के लिए कुछ काम कर सके। आज मतदाता को क्या चाहिए? मूलभूत सुविधा जो हमें फेडरल राइट ने दिया है, बस यही अपेक्षा हर उम्मीदवार से होती है। लेकिन उम्मीदवार हर टाइप में ये जो बातें हैं, जो ज़रूरतें हैं, ये कभी पूरा करता ही नहीं है और हर साल आने वाले दिनों में ये बाकी रखता है। जनता की सब ने भ्रम निराश किया है और जनता की दिशा भूल की है। आज ऐसा कोई भी उम्मीदवार यहाँ पर नहीं है जो लायक हो सके, मतदाता उसको मतदान कर सके। लेकिन मजबूरी है कि किसी को तो मतदान करना है, क्योंकि ये हमारा लोकशाही है और लोकशाही ने घटना ने हमें यह अधिकार दे रखा है कि हम मतदान हमें हक बजाना है, इसके लिए हम मतदान कर रहे हैं। लेकिन उम्मीदवार जो है आज तक के किसी मतदाता उसको लाइक नहीं करता, ये भी जानते हैं लोग कि आज तक के जो भी पक्ष उम्मीदवार खड़ा करता है वो अपना घर भरता है। आज तक के ऐसा कोई नहीं है जिसने मतदाता के घर पे जाके कोई काम किया हो, कोई पूछा हो कि आपकी समस्या क्या है। एक बार निवड़ के आने के बाद वो चला जाता है और 5 साल के बाद ही आता है। क्या आपको लगता है कि नोटा एक ऑप्शन है? मैं समझता हूँ कि नोटा जो है वो होना चाहिए कि अगर कोई उम्मीदवार लायक नहीं है तो कम से कम वो नोटा का बटन दबा सके, ताकि शासन को और उम्मीदवार को मालूम पड़ सके कि यहाँ पर कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो उसके लायक हो। मेरा नाम यूनुस शेख है, जलगांव से हूँ। आप अपने भावनाओं को किस तरह से व्यक्त करेंगे? भावना को इस तरह से व्यक्त करेंगे कि भाई हमें देश के विकास के लिए ऐसे उम्मीदवार चुनना चाहिए जो देश के अलावा, अभी महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है तो महाराष्ट्र के अंदर हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स जो है वो असेंबली में वो बता सके और असेंबली में बताने के बाद में हमारे को उसका फ़ायदा मिल सके। आज का ऑर्डिनरी नागरिक यही चाहता है कि हमको जो है हमारी एम्प्लॉयमेंट, उसके अलावा हमारा रोज़गार और बच्चों का एजुकेशन और बच्चों का अच्छे से शिक्षण हो सके, यही चाहिए उम्मीदवार को। दूसरी यानी उम्मीदवारों से उम्मीद नहीं है। क्या आपको लगता है कि अभी के जो उम्मीदवार है वो अपेक्षा पूर्ति करने में सक्षम? अभी जो उम्मीदवार है उन्होंने अगर कभी ठीक है अभी तक के उन्होंने नहीं पूरा किया है, लेकिन उन्होंने अपने सद्बुद्धि से इस तरह से काम करना चाहिए कि अगले समय में हम जो है यानी हमारे जो नागरिक है, जो ऑर्डिनरी नागरिक हम पे विश्वास करते हैं तो उनकी अपेक्षाएं पूरी करना चाहिए। मैं इतना ही अभी के उम्मीदवारों से यानी मैसेज दूंगा।